जगह दिल्ली का विवेक विहार, दिन शनिवार, समय रात के 11 बजे, घटना बेबी केयर सेंटर में आग। मासूम अपनी मां की गोद में जाने का इंतजार कर रहे थे। परिवार के सदस्य अपने मासूम बच्चों का घर में आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक घटना ने सब कुछ खत्म कर दिया। मां की गोद में जाने से पहले ही छोटे छोटे नवजात इस दुनिया को अलविदा कह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक बेबी केयर अस्पताल में शनिवार को आग लग गई। आग लगने से 7 नवजातों की जान ही चली गई। हालांकि स्थानीय लोगों और फायर डिपार्टमेंट की टीम ने अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर से 12 बच्चों को रेस्क्यू किया था, जिनमें से 7 ने दम तोड़ दिया। प्रशासन और पुलिस इस भीषण अग्निकांड की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन जिसने भी इस घटना को अपनी आंखों से देखा उसकी रूह कांप गई और उन्होंने रूह कांप देने वाले खुलासे भी कर दिए हैं। लोगों के मुताबिक बाहर एक गाड़ी में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उससे बेबी केयर अस्पताल में ही आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे अस्पताल को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया। लोगों की माने तो धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि उनके घर तक की दीवारें हिल गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने बेबी केयर अस्पताल का शीशा तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। पूर्वी दिल्ली के बेबी केयर अस्पताल में आग लगने की घटना को लेकर दिल दहलाने वाले खुलासे भी अब लगातार हो रहे हैं। एक चश्मदीद ने बताया है कि हादसे के वक्त बहुत जोर का धमाका हुआ था। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा कि मानो दिल्ली में आतंकी हमला हो गया हो। रवि नाम के शख्स ने बताया कि पूरी की पूरी गलती इसमें अस्पताल प्रशासन की है, जिसने नियमों की अनदेखी की है और इस अनदेखी की वजह से ही 7 मासूम इस दुनिया से अलविदा हो गए। विवेक विहार के बेबी केयर अस्पताल में आग और धमाके कितने तेज थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सेंटर की तीसरी बिल्डिंग के शीशे टूट गए। इसमें घर में मौजूद 3 लोग घायल हो गए। ब्रिजेश गोयल नाम के शख्स ने बताया कि धमाकों से उनके घर के शीशे टूट गए और कांच के लगने से वो खुद घायल भी हो गए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आग बहुत भयंकर थी। सिलेंडर के टुकड़े आसपास गिरे थे, उनके घर में भी टुकड़े आए और उनके शीशे टूट गए। लोगों की माने तो कि इससे पहले भी हादसे हो चुके थे इस केयर में और शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। वहीं कुछ लोगों की माने तो अगर प्रशासन और अस्पताल ने पहले ही घटना को लेकर संज्ञान लिया होता, कार्रवाई की होती, एक्शन लिया होता, तो आज इन मासूमों की जान इस तरह से जाती नहीं। अस्पताल और प्रशासन की लापरवाही से ही ये सब हुआ है। बेशक अब इन दोनों को, यानी कि अस्पताल और प्रशासन को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने मासूमों को खो दिया? उन माओं का क्या जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को खो दिया? फिलहाल मामले की जांच होनी चाहिए, लापरवाही करने वालों पर सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि इन मासूमों को इंसाफ मिल सके। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया है उन्हें इंसाफ मिल सके, ऐसे में सख्त एक्शन जरूरी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।